रहने दे भी, यहाँ से जा, यहाँ से आ, नवाब है रामनगर तू। जाए, वो तो मैं हूँ। गुलाब खिले ऊंचे कमर में बता पट्टा, मैं नाच सकूं कैसे। आप बुलाते नहीं, अम्मा बोलने बहुत प्यार करती थी मेरे से। रीनू रीनू, हमने आपको आज तक बुलाया है जो आज बुलाते। तसो इड़ा कौन छे तुम? तुमने अगर स्कूटी सीखी होती मैं पैदल जाता भी। बाय गॉड, अरे ये क्या रिशारे आने तो आ रहे। दोस्तों मेरे नाम कई ज्यादा प्रॉपर्टी के साथ साथ एक नई प्रॉपर्टी जुड़ गई है। माज रहा है कि यहाँ पे खाना बन के तैयार है, हम लोग खाने वाले हैं और पिताजी को नीचे से निमंत्रण है। मेरी किस्मत ले तो खराब चल रहा है ना यार। नीले उधर नहीं हो, उधर जा स्कूटी होनी पसंद कर लो। ये तो यार दोस्तों अपन गाड़ी अपनी हुई यार, अपन गाड़ी हुई अपने हिसाब से खाना खाता। कल सुबह नाश्ता नहीं करने दिया, खाना खाने मेरे कहा वो पुंगा से ना मैं पैंस मिले डाल दू बछेड़ा जी। वहाँ ज्यादा देवल में होटल लेवल कोई वहाँ खा ले, यहाँ खा ले कमीशन मिटा है बंदो में। तो यार दोस्तों मिन्नतें करने के बाद भाई साहब ने गाड़ी रोकी यार। मतलब घर वाले बोले इस सुनो, मतलब टाइम से गाड़ी बन जाएगी, घूम रहे ना गाड़ी में, अपनी गाड़ी में खान खाने के लिए साल डेढ़ घंटे बटे नंबर उम्र ब्लॉक में क्यों बदल पंप तोड़े जाओ पंप तोड़े नब्बू वाली गाड़ी चलती है ना। दोस्तों कल भाई के साथ गाड़ी में आया, ये गाना सुना मेरी रात तक तबियत खराब हुई थी। जो वाला गाना लगो कोयल जवाना चिप ला रहे जी ला रहे, तो मैंने बोला भाई बीटी बीटी ऑन कर मैं सुनाऊंगा तेरे को गाने। इसने ये गाना रिवर्स में दो बार सुन दिया है। हाथ छोटी जाल जय दिन छोड़ी जो लो प्राण या। अरे ये क्या रिशारे आने तो आ रहे या साहब रे, ए या साहब जब राधा आधी रात छोटी दिन पड़े छी तो यार दोस्तों हमें जो भी चीज मिलती है ना, भले वो प्यार मिले, सम्मान मिले, धन मिले, दौलत मिले, वैभव मिले, ऐश्वर्य मिले, सब चीजों को मैं बंटवारा कर देता हूँ। जो बेचारे यार मैं बैच लगा रखी मैं बैच छीन भाई तो खुश है रहने। किसी की खुशी के लिए यार मैं उतार सकता हूँ हाथ छोड़, मतलब इससे मैं छोड़ा गाड़ी चढ़े एक को हाथ लगा घूम रहे हो तो खुश है ना, रास्ते बड़े बैच लगाए मेरे मुख सब। तो भगुण वाल दाजी उतर गया ना लौट वाली, तो ये है भगुणा, ये हमारे दाजी ऊपर याद है एक बार। अरे भाई कितना खुश है आप इस पे, कैसा लग रहा आपको? ये तो खुश है ना, स्कूल बच्चों रुमाल नहीं बाजी शिशु मंदिर में। गुलाब खिले ऊंचे कमर में बता पट्टा, मैं नाच सकूं कैसे, हाथों में लगी मेहंदी मैं डांस पागल मैं डबल बैच को पहन रही हूँ मैं, देखा पूरे दिन को पागल
वो मैं हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बाइक ले इतना खुश होना है बैच, मतलब चार घंटे कह रहे पूरे बाजार बैच में घूम रहे हो यार। मोहनाली की बात दादा, आप कहाँ गए थे? चीफ गेस्ट बन गए, मेरे का मुंह कॉलेज में था मेरा। गुड मॉर्निंग है दोस्तों, नए दिन की नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं नए व्लॉग के साथ। और आज का व्लॉग काफ़ी शानदार है मेरे लिए तो पर्सनली, क्योंकि मेरी पसंद की सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। पूड़ी है, बड़े हैं, दाल छ, भात छ, रायत छ, खीर अभी आएगी, अचार यहाँ पे है। तो आज हमारे बूबू का श्राद्ध है, अम्मा का श्राद्ध दो दिन पहले हुआ था, और इसी के बीच अब घर वाले भी यहाँ पे आए तो खाना शुरू करते हैं। लार स्टप की मैंने माज रहा है कि यहाँ पे खाना बन के तैयार है, हम लोग खाने वाले हैं, और पिताजी को नीचे से निमंत्रण है। मणि खजा पे जंजाली करम मेरो दीपा, ओए जंजाल करम सबने बोल करम मैं रुक मैं एक बार खानी खाती। क्यों ऐसा क्यों कहती तो हमेशा, इसके पीछे का कारण बताओ आप, क्यों कहते हो आप? क्यों कहती हूँ क्या, कितना अच्छा कर्म है तेरा, कहाँ क्या पता चल रहा तेरे को? तो सो मैं घर वाले ना कोई लजीज है कि मानो कि सारे सुख एक तरफ और ये पहाड़ का खाना खाने का सुख एक तरफ। दाल छ, दाल दगा रायत छ, बाल छन, यो घास जो लिमे ननी नन लिमे ठुल ठुल गा बाद में लूं यो आ क्या हो रहा है? मैं तो अपनी तारीफ क्यों करूं, तुम तो बताओ। मैं तो कर ही रहा हूं अच्छी जंजाली करम मेरो दीपा, जंजाली करम मेरो नैने नैने छोटी छोटी मोटी रेखा। चाची खाने आ गए, चाची ने बताया घर में नहीं हूँ, आ हमारे घर में श्राद्ध है, चाची आ देखो आप बुलाते नहीं। डिग्री अम्मा बोलने बहुत प्यार करती थी मेरे से, कुछ भी चीज होगा तो मेरा नाम जरूर लेने वाले ठहरे। रीनू रीनू हमने आपको आज तक बुलाया जो आज बुलाते। तो दोस्तों हमारे गांव के हरुल है, ये नाम बछिल से, वो मतलब वो संता है, ये बनता है, ये इनकी सासू का नाम बछली हुआ, इनकी सासू का नाम डिग्री। अरे हम पियर किसान है पता है तेरे को, किसान जय जवान जय किसान। बछली बुआर डिग्री बुआर। उम्र बढ़ने के साथ साथ एक जो चीज सीखने को मिलते ना, घर के नजदीक होना ही सबसे बड़ा सुकून होता है। अब मेरे को वही चीज समझ में आ रही है कि आज मेरे को रेस्ट मिला यार, एक दिन का रेस्ट, मतलब कि मैं घर पे हूँ, इधर उधर नहीं हूँ, पिछले डेढ़ महीने से लगातार सफर में हूँ। दादाजी कर रही थी खेत की सफाई, यहाँ पे इतनी चीजें इनको मिल चुकी है, गुआ गई यानी कि मक्के, अमरूद, तोरई और हो गया बीन्स। बहु कौन पहले तो शादी तो कर दे, तेरी बहु को कौन कर रहा है काम कर, शादी नहीं करता हूँ बोलता है, मेरी बीबी काम नहीं करेगी बोलेगा। अच्छी लानी ठहरी जो लानी ठहरी, एक ही बार तो होती है शादी। सही बात सोच समझ के। ओके आज हल्की रोड ब्लॉक है, क्या कहना चाहोगे? पूरी पूरी खत्म होगी रोड। हाँ ये पैदल जाएगा नहीं स्कूटी, आधा पैदल जाऊंगा आधा फिर ले मौत बलि लिंच वहाँ जा बहर ना पैदल रास्ता है। नहीं नहीं वहाँ से नहीं जाएगा, यहाँ से जा पैदल। किसी की गाड़ी आएगी टिकट काट के आ जाना, रोड खुलेगी तो कैसे खुलेगी रोड, पूरी रोड गायब हुई है तो। रहने दे भी यहाँ से जाए, यहाँ से आ नवाब है तो। वो तो मैं हूँ दोस्तों, हम चल रहे हैं फलगी बाजार की ओर। जैसा कि रोड की अपडेट अभी आया है, रोड पूरी ब्लॉक हो चुकी है। रश्मि का पुंदुर, रश्मि के लिए आज जैसे हमारा श्राद्ध था बूबू का, तो रश्मि के हिस्से का जो भी खाना है उसको भेजा जा रहा है। तो जो कुछ भी है चलते हैं बस हल्की बाजार की ओर। रोड ब्लॉक है तो आधे रास्ते तक जाएंगे स्कूटी में, क्योंकि मोटापा तो बढ़ गया। सही कह रहे हैं, गाड़ी का यूज कम करो। कार बहुत दिन हो गया शोरूम में, याद आ रही है कार की। अब ठीक ही है, भगवान को भी पता है नवराज की गाड़ी शोरूम में है। फिर से रोड ब्लॉक हुई तो गाड़ी का कोई यूज था ही नहीं है। दरार देखिए आज की, यहाँ भी दरार है, जिस हिस्से देखो यहाँ तक दरार है। मेरी किस्मत ले तो खराब चल रहे ना यार, नीले उधर नहीं हो, उधर जा रही स्कूटी होनी पसंद कर लो। ये दरार देखो आप, ये देखो जो मैं
एक हफ्ते पहले ब्लॉग में कह था कि ये रोड धसने वाली धस चुकी है, मतलब एक हफ्ते पहले बोला था मैंने। और इधर को भी रिस्क आ जाना, तो देखो ये जो सेफ्टी गार्ड होते इतने ऊपर जा चुके हैं, और ये पूरा जो एरिया दिख रहा है हमारे गांव की बाउंड्री पूरा यहाँ से थल तक जितने आ, और दरार देखो यार अभी ये दरार यहाँ तक खाएगी इसको, ये यहाँ पे जो खड़े हैं दाजू ये भी ये हिस्सा भी जाने वाला है। तो आपकी गाड़ी का है, चलो इस बार थोड़ा सहूलियत होगी, पैदल जाने के लिए हो गया, नहीं तो पिछली बार जो ब्लॉक हुआ था बलतीर से आ रहे थे पैदल जाने के लिए नहीं था, इस बार थोड़ा बहुत पैदल चलने लायक है। और इसमें यार कोई भी लोग जिद ना करें या इसको बाइक है एक चलाने का ज़्यादा वो ना करें, रिस्क ना लें। जितने भी बाइक और स्कूटी वाले दुपहिया वाहन है देखो हर कोई राइडर होता है, लेकिन आप इतना भी रिस्क ना लें कि कभी यहाँ उठे तेल जला शीत बगड़ डाला और लग आपको ईजी रहा होगा, लेकिन वहाँ पे देखो कीचड़ है, फंसने के चांसेस है, फिर आगे पत्थर है। दोस्तों इस बीच गाड़ी एक्सीडेंट होने के उससे जो मेरे जितने भी प्रोग्राम थे सब स्थिर हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों आना था, शीशा भी आना बचा है, बैंक मुशैल जात करे यार यहाँ कुतर बैरिश बने आए हो, जब जिंदगी में साढ़े सात ही आती ना सब एक साथ आते उसको। दोस्तों जिंदगी में कब दिन पलट जाए कोई भरोसा नहीं, इसका ताजा जाने नवराज सिंह मैसोड़ा। ओके सर ओके। परसों तक अपनी कार में जा रहा था, आज चाहो लिफ्ट बैंक भजन पड़ मैं करके, वो तो मैंने अपने अच्छे दिनों में अच्छे कर्म किए थे, बुरे दिनों में लोग मुखिया रहे नहीं तो लिफ्ट भी नहीं देते। तो क्या है कि जब आप उन्नति में होते हैं प्रगति पथ में अग्रसर होते हैं तो घमंड नहीं करना है, ये बात हो घमंड रावण नहीं रहो घमंड, तो मर्गी रोल तुम आपको सिखा रहा हूँ चीजें भाई, मैं अपने पूरे वक्त में भी इतना खुश हूँ ना, अच्छे वक्त में कितना खुश होता हूँ समझो, इतना मुस्कुरा रहा हूँ मैं। मोबाइल वहाँ तार का ढलन वाई फाई गाड़ी वहाँ खचाड़ रहे, रोड टूट गई, भरत की तो शादियाँ मेरे मित्रों की धगा धक शादियाँ हो रही, वो अलग दुख है या तो नॉर्ले नहीं होने वो तो दुख नहीं होने, बस रोक दो सर ऐसा है बस बस भाई, अरे वाई भाई आऊंगा कल से रुक पिथौरागढ़ गाड़ी, तो बताओ कहाँ चलते आपकी गाड़ी पिथौरागढ़, इस बीच थल आने वाले कहाँ से आएंगे आपके साथ, डीडीआर कितना ले रहे हो, 300 वैसे थल का कितना था, 250 डीडीआर का 85 ले रहे हो, क्या बात क्या कहाँ पे बहुत ज्यादा पैदल कहा तस्वीर कौन छे, तुमने अगर स्कूटी सीखी होती मैं पैदल जाता अभी, बाय गॉड कहाँ सीखी, रेस की शोर होती है बता जल्दी चल रेस तो यार दोस्तों काफी भयंकर रिस्क के बीच में हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि एक बार रोड ब्लॉक होने के बाद अभी दोबारा से यहाँ पे बारिश हुई है जिसमें काफी बड़े बड़े बोल्डर्स नीचे गिर रहे हैं, और मेरी किस्मत तो खराब है ना कि मोबाइल और मैं तेल बच गया है ब्लॉक, और इसमें रिस्क मत लो यार, देखो यहाँ पे गाड़ी फंस रही है सबकी, मोस्टली बाइक वाले इसी रास्ते से आ रहे हैं, देखो आपकी जान बहुत कीमती है, जब तक मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मेरे को भी समझ नहीं आया था, लेकिन जिस दिन से मेरा एक्सीडेंट हुआ है तो जिद काफी गलत चीज है। तो ये देखो ओ भाई साहब ओहो भग 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 ओ भाई ओहो रनिंग बोल्डर ओ भाई साहब एक ये बोल्डर मेल बैठे मेले बोल्डर जो है साल ही ना पाम जो कोई सा, तो ये हिस्सा देखो इतना नीचे चले गया है, ये रोड से रोड गायब होगी, नीचे नदी है। तो हम पहुंच चुके हैं स्कूटी के पास, तो गाड़ी शुरू करते हैं और जाते हैं घर की ओर। तो यार दोस्तों थल पिथौरागढ़ के लिए जो मार्ग अवरुद्ध हुआ था अभी तक थोड़ा बहुत टू व्हीलर्स के लिए रास्ता फिर भी गुंजाइश थी जाने की, लेकिन अभी अभी हुई बरसात के बाद बारिश के बाद लगातार बोल्डर्स ऊपर से नीचे गिर रहे, तो अपनी जान यार हथेली पे रख के यात्रा ना करें और अपनी गाड़ी पहले ही रोक लें, अन्यथा इस रूट का उपयोग ना करें, हमारे गाँव से लिंक होते हुए लाल घाटी को एक रोड लिंक होती है वहाँ का आप प्रयोग कर सकते हैं या डीडी आउट होते हुए आ सकते हैं, लेकिन जो टू व्हीलर्स के लिए अभी तक थोड़ी बहुत गुंजाइश थी वो भी खत्म हो चुकी है थल पिथौरागढ़ वाली रोड, तो ये रूट पूर्ण रूप से बोल्डर्स के गिरते और नदी के रोड के नदी में समाहित होने के कारण ये यात्रा आप नहीं कर सकते, रोड बंद है एल बटे क्वेश्चन आया। तो यार आज के इस ब्लॉग को इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ पे क्लोज करते हैं और एहतियात बरतें यार, प्राण से सब कुछ नीति न उन, जबरदस्ती रोड क्लियर करने की कोशिश ना करें, यहाँ पे जैसे मैंने देखो मैं भी जा सकता था दुकान तक स्कूटी में, नहीं मैं पैदल गया आधे रास्ते, वहाँ से दूसरी गाड़ी मंगाई लिफ्ट लेके गया या पैदल जो भी गया, तो ऐसे करें और जबरदस्ती ना करें। इसी के साथ इस व्लॉग को करते हैं क्लोज, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना, और आप लोग बाय बाय टेक केयर, चलो चलते हैं हंसी कर दे आप हंसी, बाय बाय।